गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई फिटर एम के माध्यम से कोल्ड सीजन ठंडी छेनी के बारे में जानेंगे कि ठंडी छेनी क्या है। तो जिस छेनी के द्वारा हम ठंडी धातुओं को काटते हैं उसे हम कोल्ड छेनी मतलब ठंडी छेनी कहते हैं, और जिस छेनी के द्वारा हम गर्म धातु को काटते हैं उसे हम हॉट छेनी गर्म छेनी कहते हैं। तो ठंडी छेनी एक हैंड कटिंग टूल है जो फीटर द्वारा चिपिंग एवं कटिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। चिपिंग क्या है? चिपिंग वह संक्रिया ऑपरेशन है जिसमें धातु से अधिक पदार्थ को हथौड़ा एवं छेनी के सहायता से काट कर हटाया जाता है। चिपिंग की गई सतह खुरदुरी मतलब रफ बनती है जिसको फाइलिंग करके चिकना किया जाता है। इसे ही हम चीजल या छेनी बोलते हैं। ये देखिए, यह एक छेनी या चीजल है और इसे हम ठंडी छेनी भी बोलते हैं मतलब कोल्ड चीजल। तो ठंडी छेनी एक हैंड कटिंग टूल है। तो हैंड कटिंग टूल क्या हो गया? हाथ से पकड़ कर काटने वाला औजार। और चीजल का प्रयोग फीटर के द्वारा चिपिंग एवं कटिंग ऑपरेशन में किया जाता है। छेनी के प्रयोग से हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं मतलब धातु को काटने के लिए हम छेनी का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि मेटल का दो टुकड़ा छेनी के सहायता से किया गया जो एक कटिंग ऑपरेशन है। छेनी के द्वारा हम चिपिंग भी करते हैं। तो चिपिंग क्या हो गया? तो चिपिंग एक ऑपरेशन है जिससे जो यह जॉब है, तो इस जॉब से हम अतिरिक्त पदार्थ को छेनी और हथौड़ी की सहायता से हटाते हैं। जैसे इस जो यह जॉब है इस पर अगर हमें चिपिंग करना है तो इसे हम 22 पर बांधते हैं और फिर जो यह छेनी है छेनी को सही एंगल में रखते हुए इस पर से फालतू मेटल को हटाते हैं। तो इसी क्रिया को हम चिपिंग बोलते हैं। तो जब हम चिपिंग करते हैं तो इसका ऊपर का सदा रफ बनता है, ऊपर का जो सतह है वह रफ बनता है। ये देखिए क्या है, रफ बनता है। तो इसे फाइल द्वारा फाइलिंग करके चिकना करते हैं। जो ऊपर का सतह रफ बना है उसे फाइल के द्वारा फाइलिंग करके चिकना करते हैं। छेनी के भाग पार्ट्स ऑफ चीजल। एक छेनी में निम्नलिखित भाग होते हैं, पहला हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा पॉइंट या कटिंग एज। तो यह एक छेनी है और यह छेनी का ऊपर वाला भाग जिसको हेड बोलते हैं और बीच वाला भाग को बॉडी बोलते हैं और नीचे वाले भाग को पॉइंट या कटिंग एज बोलते हैं। जो यह छेनी है तो छेनी में कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हो गया हेड मतलब शीर्ष, ये जो देख रहे हैं इसे ही हम छेनी का हेड बोलते हैं मतलब शीर्ष बोलते हैं। दूसरा हो गया बॉडी, तो ये जो भाग देख रहे हैं इसे हम छेनी का बॉडी बोलते हैं। फिर नोक या कटिंग एज, जो ये आगे वाला भाग देख रहे हैं ये, तो इसी को हम छेनी का पॉइंट या कटिंग एज बोलते हैं। छेनी हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनाई जाती है। ये जो छेनी है तो यह हाई कार्बन स्टील या क्रोम वैनेडियम स्टील से बनाया जाता है। छेनी का अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन साधारणतः षष्ठभुजाकार या अष्टभुजाकार होता मतलब हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल। छेनी का क्रॉस सेक्शन साधारणतः षष्ठभुजाकार या अष्टभुजा
कार होता है, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? छेनी को अगर हम बीच से काटते हैं और वह जिस आकृति में दिखाई देता है तो वह उसका क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो ये जो छेनी देख रहे हैं यह आठ भुजा वाला है, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर हम इस छेनी को बीच से काट के देखेंगे तो यह अष्टभुजाकार रूप में दिखाई देगा, मतलब इस प्रकार। ये देखिए ये अष्टभुजाकार हो गया और छेनी छह भुजा वाला भी बनाया जाता है, ठीक है। तो छह भुजा वाला छेनी को अगर हम काट के देखेंगे तो यह इस प्रकार दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गया षष्टभुजाकार। छेनी के कटिंग एज कठोरीकृत एवं टेम्पर किए होते हैं। छेनी का कटिंग एज कठोरीकृत एवं टेम्पर किया हुआ रहता है। जो यह आगे वाला भाग देख रहे हैं तो यह छेनी का कटिंग एज है और यह हार्ड और टेम्पर किया हुआ रहता है, ताकि जब हम छेनी से किसी धातु को काटें तो इसका जो कटिंग एज है वह टूटे नहीं। साधारण प्रकार की छेनी, तो साधारण प्रकार की छेनी पांच प्रकार की होती है। पहला फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉस कट चीजल, तीसरा हाफ राउंड चीजल, चौथा डायमंड पॉइंट चीजल और पांचवा बेब चीजल या पंचिंग चीजल। साधारण प्रकार की पांच छेनियां होता है, तो यहां हम देख रहे हैं यह पांच छेनी है। पहला हो गया फ्लैट चीजल, ये जो है देख रहे हैं इसे फ्लैट चीजल बोलते हैं, और ये हो गया क्रॉस कट चीजल, और तीसरा हो गया हाफ राउंड नोज चीजल, और चौथा हो गया डायमंड पॉइंट चीजल, और पांचवा हो गया बेब चीजल। पहला फ्लैट चीजल, सपाट छेनी, जो यह चित्र में देख रहे हैं इसी को फ्लैट छेनी बोलते हैं। इसका प्रयोग बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ को हटाने एवं बेल्ट जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु को चिपिंग करने हेतु किया जाता है, इसी को फ्लैट चीजल बोलते हैं। और इसका प्रयोग कटिंग करने के लिए, जैसे ये देखिए, तो फ्लैट चीजल का प्रयोग कटिंग करने के लिए करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग बड़ी सपाट सतहों से पदार्थ को हटाने के लिए करते हैं, जैसे बड़ी सपाट जॉब है और इस पर से हमें मेटल को हटाना है तो फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग बेल्ड ज्वाइंट, ये जो देख रहे हैं बेल्डिंग से ज्वाइंट किया हुआ जॉब है, तो इसे भी थोड़ा फिनिश करने के लिए करते हैं। ये बेल्डिंग किया हुआ जॉब है और इस पर से थोड़ा मेटल को हटाना है तो इसके लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग है ढलाई, ये जो देख रहे हैं ढलाई किया हुआ जॉब है, मतलब कास्टिंग किया हुआ, तो कास्टिंग से अतिरिक्त धातु की चिपिंग करने हेतु फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह एक ढलाई किया हुआ जॉब है और इसमें यहां पे एक फालतू निकला हुआ है, तो इसे भी फ्लैट चीजल के प्रयोग करके जो फालतू है उसे हम हटाते हैं। दूसरा क्रॉस कट या कैप चीजल, इसका प्रयोग चाबी घाट, खांचे और झीरी काटने हेतु किया जाता है। ये जो फिगर देख रहे हैं यह एक क्रॉस कट चीजल है, इसे ही हम क्रॉस कट छेनी या कैप छेनी बोलते हैं। क्रॉस कट
छेनी का प्रयोग चाबी घाट, ग्रूव और स्लॉट काटने हेतु किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह एक कीबे है, चाबी घाट, ठीक है, और इसे काटने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। तो कीबे को हम किससे काट रहे हैं? क्रॉस कट छेनी से। और इसी तरह अगर हमें ग्रूव काटना है, जैसे ये देखिए, अगर इस ग्रूव को भी काटना है तो हम क्रॉस कट छेनी का उपयोग करके इसे हम काटते हैं। तो इसके लिए तो ये जो देख रहे हैं ये जो ग्रूव है, तो इसे भी हम क्रॉस कट छेनी से कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार क्रॉस कट छेनी का प्रयोग ये जो चाबी घाट है, चाबी घाट, ग्रूव और स्लॉट को काटने हेतु प्रयोग किया जाता है। तीसरा, हाफ राउंड नोज चीजल, ठीक है, ये जो चित्र देख रहे हैं यह हाफ राउंड नोज चीजल है। यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो नीचे वाला जो इसका आकृति है हाफ राउंड में है। इसका प्रयोग वृत्ताकार खांचे काटने हेतु किया जाता है। इसे हम हाफ राउंड नोज चीजल बोलते हैं, मतलब जो इस छेनी का जो आगे का जो पॉइंट होता है वह हाफ राउंड में होता है। यहां अगर हम गौर से देखेंगे तो देखिए ये हाफ राउंड में होता है, मतलब इस प्रकार, ये देखिए ये जो हाफ राउंड में है इसी प्रकार इस छेनी का आगे का पॉइंट होता है। और इस छेनी का प्रयोग तेल नालियां, जैसे ये देख रहे हैं जो यह ग्रूव है ऑयल ग्रूव, ठीक है, इसे बनाने के लिए हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह वृत्ताकार खांचा बना है यह हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा निर्माण हुआ है। चौथा, डायमंड पॉइंट चीजल, हीरा नोक छेनी। तो ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को डायमंड पॉइंट चीजल बोलते हैं, क्योंकि इसका आगे वाला जो पॉइंट है वह डायमंड पॉइंट जैसा होता है। इसका प्रयोग कोनो और जोड़ों पर पदार्थ को चौरस करने के लिए किया जाता है। इसे हम डायमंड पॉइंट चीजल बोलते हैं, जो इस छेनी का आगे का जो पॉइंट है यह डायमंड पॉइंट जैसा होता है, ये देखिए। और इसका प्रयोग कॉर्नर और जोड़ों पर से पदार्थ को चौरस, मतलब 90 डिग्री में करने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कॉर्नर, ये जो जॉब का कॉर्नर देख रहे हैं, कॉर्नर या जोड़ों पर से पदार्थ को चौरस करने, मतलब 90 डिग्री में फिनिश करने के लिए किया जाता है। जैसे इसे हमें कोना पर से 90 डिग्री में फिनिश करना है, तो डायमंड पॉइंट चीजल की सहायता से इसके कोना पर देखिए, तो इससे क्या होगा, इसका जो कॉर्नर है एक्यूरेट 90 डिग्री में फिनिश हो जाएगा, मतलब चौरस हो जाएगा। पांचवा, बेब चीजल और पंचिंग चीजल, इसे हम जालीदार अथवा पंच करने वाला छेनी बोलते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को बेब चीजल बोलते हैं। तो श्रृंखला ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो जॉब देख रहे हैं इसमें बहुत सारे होल किए हुए हैं, तो इसी को हम चैन ड्रिलिंग बोलते हैं, और इसमें से धातु को हटाने के लिए हम बेब चीजल का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम बेब चीजल या पंचिंग चीजल बोलते हैं। और इसका प्रयोग चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। तो चैन ड्रिलिंग देखिए, ये जो देख रहे हैं इसी को हम चैन ड्रिलिंग बोलते हैं, और इसके बीच से जो धातु को हमें काट के निकालना है, तो जो यह बेब छेनी है इसी के द्वारा हम इसका
चैन ड्रिलिंग का कटिंग करके बीच वाला धातु को निकालते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह चैन ड्रिलिंग है, इसे हम बेब चीजल द्वारा कंप्लीट करेंगे, इसका बीच का धातु को काटकर निकालेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि बेब चीजल द्वारा धातु को अलग करके निकाला गया है। स्पेसिफिकेशन ऑफ चीजल, छेनी का विशेष वर्णन। तो छेनी का स्पेसिफिकेशन, उसके लंबाई, छेनी मतलब 100 एमएम लंबा है कि 120 एमएम लंबा है। फिर कटिंग सिरे का चौड़ाई, उसका सिरे का चौड़ाई कितना है, 10 एमएम है कि 15 एमएम है। फिर छेनी के प्रकार, मतलब छेनी फ्लैट चीजल है कि क्रॉस कट है कि डायमंड पॉइंट है। और बॉडी का क्रॉस सेक्शन द्वारा वर्णित करते हैं। बॉडी का क्रॉस सेक्शन हो गया मतलब कि उसका जो बॉडी है वह हेक्सागोनल है कि एक्टागोनल है।